नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। यूपी की श्रावस्ती में ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर मोबाइल चोर की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही लाठी डंडे से पिटाई करने के बाद चोर को पूरे गांव में घुमाया। वहीं पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो हमें बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही बता दें कि ग्रामीणों ने मोबाइल चोर समझकर एक युवक को जमकर पीट दिया। बता दें जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर मोबाइल चोर की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही लाठी डंडे से पिटाई करने के बाद चोर को पूरे गाँव में घुमाया। वही पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वही गांव में चोर को चक्कर लगवाया, इसके बाद बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अगली खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के मामले में फरार चल रही तीन महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने एक युवक के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसकी हत्या के बाद आरोपी महिलाएं नाम और पता बदलकर अलग अलग इलाकों में छिप कर रह रही थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित करके उन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि पुलिस ने तीन महिला हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वे अपना नाम बदलकर अलग अलग इलाके में छिपी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस की मदद से उन हत्या की आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया है। तो जो खबर है वो दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के मामले में फरार चल रही तीन महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने एक युवक के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसकी हत्या के बाद आरोपी महिलाएं नाम और पता बदलकर अलग अलग इलाकों में छिप कर रह रही थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित करके उन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने क्राइम ब्रांच की बता दें क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस की मदद से हत्या की आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी के ललितपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नौकरी का झांसा देकर उसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 5 लाख से अधिक की धनराशि हड़प ली। पैसा वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जो पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है, जहां नौकरी का झांसा देकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है और इसके साथ ही बता दें कि नौकरी का झांसा देकर उसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 5 लाख से अधिक की धनराशि हड़प ली। पैसा मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो बता दें कि यूपी के ललितपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नौकरी का झांसा देकर उसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 5 लाख से ज्यादा की धनराशि हड़प ली और पैसा वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी उसे दिया करते थे। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
अगली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां बजाज पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों ने एक मानसिक रोगी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मानसिक रोगी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसिक रोगी के साथ सुरक्षा गार्ड पेश आ रहे हैं और मारपीट के दौरान मानसिक रोगी पथरीले रास्ते पर जानवरों की तरह घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो इस सुरक्षा गार्डों के साथ बता दें कि सुरक्षा गार्डों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही बता दें जो पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है, जहां बजाज पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों ने एक मानसिक रोगी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह मानसिक रोगी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसिक रोगी के साथ सुरक्षा गार्ड पेश आ रहे हैं और मारपीट के दौरान मानसिक रोगी पथरीले रास्ते पर जानवरों की तरह घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां दलित युवक के अपहरण के बाद हुई हत्या का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। वहीं परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। बता दें कि दलित युवक के घर से अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये है भैया, इनके 1 साल से एक जमीन का विवाद चल रहा था। इन्होंने तहरीर वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी दी थी डीएम साहब को कि मेरी जमीन निकलवा दो। इसके चलते कि दबंग लोगों ने जमीन घेर रखी, उसकी प्रक्रिया अभी भी नहीं हुई, जबकि आदेश कर दिए थे डीएम साहब ने एसडीएम के लिए। एसडीएम ने भी आदेश किया लेकिन जमीन अभी तक नहीं नपी है। उसके बावजूद भी इनका नपा तो नहीं, लेकिन एक आदमी उनके परिवार का जो व्यक्ति है उसको गोली मार दिया गया जमीन विवाद। देवर थाना के खड़िया गांव में एक व्यक्ति मनोज कुमार के अपहरण और हत्या की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 4 अभियुक्त की तलाश जारी है। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस ने मध्य प्रदेश से चोरी हुए ट्रक और उस पर लदा माल बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस ने चोरी हुआ ट्रक को बरामद किया और इसके साथ ही उस पर लदा जो सामान था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो बता दें कि पुलिस ने मध्य प्रदेश से चोरी हुए ट्रक और उस पर लदा माल बरामद कर लिया है, इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चोरी हुआ ट्रक बरामद कर लिया, साथ ही पुलिस ने उस पर जो माल लदा था उसको भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना एरोरा टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 40 लाख के चोरी के माल, जिसमें कि एक ट्रक भी शामिल है, उस माल के साथ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना एरोरा में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि कुछ 3 साथी चोरों के द्वारा एक ट्रक पार कराया जा रहा था, उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। यह ट्रक सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से चोरी हुआ इसकी ऐसी सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। ये ट्रक के साथ साथ एक स्विफ्ट कार भी है जो कि रेकी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये 3 अभियुक्त रोशन शेख, मोहम्मद शमशेर और मोहम्मद समीर, इन 3 को गिरफ्तार किया गया है जो कि सिंगरौली के रहने वाले हैं और मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से एक ट्रक, कुछ मोबाइल फोन्स और एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है।
ये लोग इस ट्रक को बेच के पैसा कमाने के चक्कर में थे, लेकिन थाना एरोरा की टीम एवं एसओजी टीम के द्वारा समय रहते हुए कार्रवाई करने से ये लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। जनपद मिर्जापुर में लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने अपहरण मामले का पर्दाफाश किया है। अपनी प्रेमिका को फंसाने के लिए युवक खुद के अपहरण की झूठी खबर अपने परिजनों को देकर लड़की को आरोपी बता रहा था और इस मामले में आरोपी का एक दोस्त भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां पर युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची है। इसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तो बता दें कि अपनी प्रेमिका को फंसाने के लिए युवक ने खुद का अपहरण की झूठी खबर अपने परिजनों को देकर लड़की को आरोपी बता रहा था और इस मामले में आरोपी का एक दोस्त भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 29/8/22 को थाना महाराजगंज पर एक 364 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 330/22, जिसमें वादिनी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है कि उनका लड़का संदीप, जो 20/8/22 को सरदहा बाजार में गया था बिलरियागंज की एक लड़की द्वारा, उसको हत्या के लिए गायब करवा दिया गया है। लड़की दूसरे समुदाय की थी। पुलिस द्वारा तत्परता से मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए लड़के को और घटना की सही जानकारी करने के लिए विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि लड़का पूर्व में लड़की से बात करता था, लड़की की शादी हो गई थी, शादी के बाद उसके बच्चे भी हो गए थे, परंतु अभी भी लड़का उसके ऊपर बात करने के लिए दबाव बनाता था। लड़की द्वारा इससे इनकार किया जाता था। उसको फंसाने के लिए लड़का द्वारा यहाँ से भाग करके अब मुंबई गया। मुंबई से अपने दोस्त जो बलराम सिंह, उसका दोस्त देवरिया का रहने वाला है, पुणे में रहता था, उसके पास गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्या मामले में गोवा पुलिस की टीम आरोपी सुधीर सांगवान के घर पहुंची। गोवा पुलिस ने करीब एक घंटे तक सुधीर सांगवान के परिजनों से पूछताछ की और इस दौरान रोहतक पुलिस भी इनके साथ रही। हालांकि गोवा पुलिस के अधिकारियों ने मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। गौरतलब है कि सुधीर सांगवान फिलहाल गोवा पुलिस की रिमांड में है। तो ये बता दें कि सोनाली फोगाट हत्या मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां बता दें कि पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने सुधीर सांगवान से पूछताछ की और उसके साथ ही बता दें कि पूछताछ के लिए पुलिस करीब एक घंटे तक सुधीर सांगवान के परिजनों से उन्होंने पूछताछ की और इस दौरान रोहतक पुलिस भी इनके साथ मौजूद रही। हालांकि गोवा पुलिस के अधिकारियों ने मीडिया से किसी प्रकार की कोई जानकारी या कोई बातचीत नहीं की और गौरतलब है कि सुधीर सांगवान फिलहाल गोवा पुलिस की रिमांड में है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो चोरों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है और साथ ही चोरों के पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और चार बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से बताया जा रहा है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तो बता दें इसके पास से पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और चार बाइक भी बरामद की है। तो वहीं आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 6 शराब माफियाओं के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही बता दें कि जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान बताया जा रहा है कि 7 लोगों ने
शराब बता दे कि शराब पीने से अपनी जान गंवाई है। इसके बाद पुलिस ने शराब माफियाओं पर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें कि यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत पुलिस ने बता दें कि शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बता दें कि शराब पीने की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगली खबर यूपी के बदौही से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवती को पहले ही बरामद कर माता पिता को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो दुष्कर्म बता दें कि दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने उसके साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो यूपी के बदौही में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बता दें कि पुलिस ने संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पुलिस सहारनपुर जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। वह शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल के डीआईजी सुधीर कुमार मौजूद रहे और साथ ही पुलिस लाइन में लगभग 900 से अधिक गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर पहुंचे। साथ ही बता दें कि इस संकल्प शिविर में अपराधियों को अपराध को छोड़ने की शपथ दिलाई गई और साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, इसमें कि अपराध मुक्त शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस ने सहारनीय बता दे कार्य करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर डीआईजी पहुंचे और इस दौरान 900 से ज्यादा गैंगस्टर ने शपथ ली है। तो यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया और इस दौरान अपराध मुक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि बता दे कि और साथ ही बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर डीआईजी पहुंचे और इस दौरान साथ ही पुलिस लाइन में लगभग 900 से ज्यादा गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर पहुंचे। आपको बता दें कि इस संकल्प शिविर में अपराधियों को अपराध को छोड़ने की शपथ दिलाई गई। अगली खबर यूपी अलीगढ़ से है, जहां चोरी के वाहनों को काटे जाने को लेकर कबाड़ियों की दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी से दुकानों से भारी तादाद में ट्रक कार मोटरसाइकिल और गाड़ियों के इंजन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं चोरी के वाहनों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही बता दें कि चोरी के वाहनों को काटे जाने को लेकर कबाड़ियों की दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है और इस छापेमारी से दुकानों में से भारी तादाद में ट्रक कार मोटरसाइकिल और गाड़ियों के इंजन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां चोरी के वाहनों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बता दें कि पुलिस ने कबाड़ियों की दुकानों पर छापेमारी की और साथ ही वहां से ट्रक कार मोटरसाइकिल और गाड़ियों के इंजन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना डेलीगेट और थाना कोतवाली के आसपास के एडीए कॉलोनी क्षेत्र में कुछ कबाड़ी का यहाँ पे काम चल रहा था, जिसपे पुलिस के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड सर्च यहाँ पे चलाई गई, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर संदिग्ध ऑटो पार्ट या किसी प्रकार का कोई संदिग्ध काम हो रहा हो उसकी जांच के लिए यहाँ पर सर्च कंडक्ट कराया गया है, जिसमें
विभिन्न गोदाम जो यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी कटना है इस प्रकार के काम होते हैं उनके पेपर और उनके जो भी पार्ट्स वहाँ पे हैं उनकी जांच कराई जा रही है कि उनके जो भी वाहन जो इनके यहाँ पे कट रहे हैं क्या वो वैलिड है, लीगल है, इलीगल है, इसके संबंध में सभी इंजन और ये जो भी पार्ट्स हैं उनके नंबर इत्यादि नोट करके उनकी जांच कराई जा रही है। कोई भी इसमें अनियमितता प्राप्त ज्ञात होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। थाना ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।